सो गाइस आगे हूँ मैं न्यू वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक फॉलोवर्स को कैसे बढ़ा सकते हो, हाउ टू इंक्रीज ऑन फेसबुक फॉलोवर्स। आपने यहाँ पे कई सारे वीडियोज देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिए, इस वेबसाइट पर जाइए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। मेरे भी यहाँ पे एक से दो दिन के अंदर 700 से 800 फॉलोवर्स इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको 3 सेटिंग बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो को, उनका अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके भी फॉलोवर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे नंबर वन, आपको यहाँ पे न्यू आईडी क्रिएट करनी है। जैसे आप न्यू आईडी क्रिएट करते हैं आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछा जाता है, उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का। दोस्तों आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करनी है। जब भी आप न्यू आईडी बनाए आपको 0 फ्रेंड रखना है, आपको एक भी फ्रेंड नहीं बनाना है। आपको स्किप करते जाना है, सारी कंडीशन को स्किप करते जाना है। आपको माइक का ऑप्शन भी मिलता है कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, तो आप उनको स्किप कर देना है। अगर आप फ्रेंड बना लेंगे तो आपके फॉलोवर्स इंक्रीज नहीं होंगे। जैसे आप स्किप करेंगे तो आपके 0 फ्रेंड रहेंगे और यहाँ पे फेसबुक को पता चल जाएगा इसकी नई आईडी है, तो वो आपको ग्रोथिंग में भेज देगा। ग्रोथिंग में भेजने से क्या होगा कि आपके दबा के फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी और स्टार्टिंग में अपने यहाँ पे फॉलोवर्स को चालू नहीं रखना है। अगर आप फॉलोवर्स को चालू रखेंगे तो फेसबुक पता चल जाएगा कि कोई कोई स्कैम कर रहा है। उसके बाद में जैसे आपके यहाँ पे 500-600 फॉलोवर्स फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, उसके बाद में आपके यहाँ पे फॉलोवर्स को चालू कर देना है। जैसे आप फॉलोवर्स को चालू करेंगे उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगी आपके यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, और आपको ऐसे 5 से 6 को एक्सेप्टिव कर फ्रेंड रिक्वेस्टों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फेसबुक के फॉलोवर्स को बढ़ा सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना।